हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। तो हम अपना चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई भी पॉलीगन है तो उसके जो सभी एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन कैसा होना चाहिए, रेगुलर। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि हेक्सागन है आपके पास, हेक्सागन में 6 साइड होती है, तो आप 6 से डिवाइड कर दोगे इसको। पेंटागन है, 5 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 60। तो ये क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन। तो नेक्स्ट है हमारे पास काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, अगर किसी भी पॉलीगन की 4 साइड है तो वो क्या होगा, आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। इसकी कुछ टाइप्स हैं वो देखो आगे। जैसे कि ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम क्या बोलता है कि ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और कब होगा, जब उसकी जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होंगी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो क्या ट्रेपेजियम, जैसे कि इसमें दोनों पैरेलल साइड हैं, ये दो पैरेलल साइड हैं, ये दो पैरेलल साइड हैं, ये दो पैरेलल साइड हैं, तो अदर दो पैरेलल साइड होती हैं, वो दो अदर साइड होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन पैरेलल होती हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड वन पेयर, जो अदर टू साइड होंगे वो क्या होंगे, नॉन पैरेलल होंगी, ठीक है। ये है आपका ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम में अगर जो दो नॉन पैरेलल साइड है वो अगर वो इक्वल हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। आइसोसेलेस क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। तो ये था आपका ट्रेपेजियम। तो नेक्स्ट है आपके पास काइट। काइट में देखो कैसे करना आपने, ये शेप है वो काइट की होती है। काइट भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें जो कॉन्जुकेटिव साइड्स हैं आपकी, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट कॉन्जुकेटिव पेयर्स, दो कॉन्जुकेटिव पेयर अगर इक्वल हैं साइड्स के तो वो क्या होगा, आपका काइट होगी, ठीक है। अपोजिट, अगर अपोजिट दे रखे हैं इक्वल, जैसे ये देखो, अगर ये शेप दे दे आपको, इसे बोल देंगे अपोजिट है, अपोजिट अगर साइड इक्वल है तो वो काइट नहीं होगा हमारा। इसमें क्या होना चाहिए, कंजुगेटिव साइड सी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए आपकी काइट में, ठीक है। और जो इसके डायगोनल्स होते हैं काइट के, जैसे कि देखो काइट है, दो कंजुगेटिव साइड्स इक्वल है, दो कंजुगेटिव साइड अदर, मतलब टू पेयर, वन पेयर एंड टू पेयर, वन पेयर टू पेयर, वन पेयर टू पेयर, मतलब दो पेयर कॉन्जुकेटिव साइड्स के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वो बनेगी आपकी काइट बनेगी। जो काइट, जैसे कि काइट है आपकी, तो काइट में जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल क्या करेंगे, 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये आपकी काइट था, जैसे कि ये सभी क्या है, ये भी काइट है, ये भी काइट है, ये भी काइट है, पर ये काइट टाइप की क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर ये साइड और आगे इसकी, ठीक है। तो ये काइट शेप की क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी हमारी, ये सभी क्या है, काइट है। मैंने आपको बताया है कि काइट में दो कंजुकेटिव पेयर क्या होंगे, साइड्स के इक्वल होंगे, और जो उसके डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री पर एक दूसरे को एंगल बनाएंगे दोनों एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है वो देखो, पैरेललोग्राम ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
अगर अपोजिट साइड पैरेलल है, ये देखो अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल, अपोजिट साइड है पैरेलल है, ये दोनों अपोजिट साइड है ये भी पैरेलल है, तो वो आपका क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी सी डी कंटिन्यू होना चाहिए, जैसे कि ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल, ये पैरेलल का साइन लगा सकते हैं हम, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू डी सी, जो साइड ए बी है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, जो जो साइड हमारी ए डी है वो पैरेलल किसके होगी, बी सी के होगी, तो ये इसकी पैरेलल साइड है, तो इसको हम इस क्वाड्रिलेटरल क्या बोलेंगे हम, पैरेललोग्राम, क्लियर। तो जो कुछ पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स क्या होंगे, तो जो ए बी जो साइड है आपकी ए बी और डी सी वो क्या है, अपोजिट साइड है, ए बी और डी सी क्या है, अपोजिट साइड, ऐसे ही ए डी और बी सी भी क्या है, अपोजिट साइड है आपके पास, ठीक है। जो एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल है, एंगल सी और एंगल ए भी क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। जो अब आपके पास जैसे कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी क्या होंगे आपकी, एडजेसेंट साइड होंगी, ए बी और डी सी तो है अपोजिट साइड, और ए बी और बी सी क्या होंगी, एडजेसेंट साइड होंगी आपकी। और ऐसे ही जो एंगल ए और एंगल सी क्या थे, अपोजिट एंगल से, ऐसे ही एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे आपके, ठीक है। ए एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे आपके, क्लियर। तो और जो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो अपोजिट साइड होती है ना पैरेललोग्राम की, जैसे कि ये ए बी और डी सी क्या अपोजिट साइड है, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी और ये दोनों इक्वल होंगी, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ होगी उनकी, ठीक है। तो ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन नेक्स्ट है आपके पास एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैंने आपको बताया है कि जो ए बी सी डी जो एंगल्स हैं वो पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी तो क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल है। और जो अपोजिट एंगल होते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड जो एडजेसेंट एंगल होते हैं आपके, उन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ए और सी क्या है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो ए और बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये थे आपके पास एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्लियर। देन नेक्स्ट है हमारे पास डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। वही पैरेललोग्राम लेते हम, ये हो गया डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एंड सॉरी ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी क्या है, डायगनल्स हैं पैरेललोग्राम के। द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंटरसेक्ट किया इन्होंने, तो ये जो साइड है वो इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। तो ए सी और बी डी दो डायगनल हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पैरेललोग्राम के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे, लेक्चर करेंगे, उसमें हम सम स्पेशल पैरेललोग्राम हमारे पास, जैसे कि रेक्टेंगल, रोम्बस और
स्क्वायर, इस टाइप से उनको मैं डिफाइन करूँगा। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।